नमस्कार, मैं हूँ देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। ईपीजी पाठशाला के हिंदी पाठ में इस समय हम लोग मध्यकालीन काव्य अर्थात भक्तिकालीन काव्य पर बात करेंगे और इसमें जायसी की सूफी भावना और रहस्यवाद को लेकर हम विचार करेंगे। इस विचार में हम जान सकेंगे कि भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा क्या है, प्रेम का दिव्य रूप और सूफी कवि के बारे में हम परिचय हासिल करेंगे, सूफी मत की विशेषताएं समझ सकेंगे, सूफी मत तथा अन्य मतों के संबंध के बारे में जानकारी ले सकेंगे, सूफी मत और इस्लामी रहस्यवाद का संबंध जान पाएंगे, जायसी का दार्शनिक चिंतन भी समझ सकेंगे, जायसी का समन्वयवादी दृष्टिकोण जान पाएंगे और जायसी की लोकप्रियता के विषय में एक मोटे तौर की जानकारी हम हासिल कर सकेंगे। बात शुरू करते हुए हम देखते हैं कि जिन कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक अर्थात ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया वे भक्त कवि प्रेम मार्गी कहे गए। इसमें मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनमें सर्वाधिक प्रतिष्ठा जायसी को मिली है और वे ही अपने समय के प्रतिनिधि कवि कहलाए। सामान्यतया उनके तीन ग्रंथ बताए जाते हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इनमें पद्मावत सर्वोत्तम रचना है। डॉक्टर शिव सहाय पाठक ने दो अन्य ग्रंथों चित्ररेखा और कन्हावत की भी खोज की है। उनके अनुसार संभवतः कन्हावत को ही गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास में घनावत के रूप में उल्लेख किया। एक अज्ञात लेखक ने तो उनकी 14 कृतियों का नामोल्लेख किया है, पर इस विवाद में और इस बहस में जाने से बेहतर है कि इस समय हम सूफी मत और सूफी संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें और इस विषय पर कुछ चर्चा करें। इस्लाम में रहस्यवादियों को सूफी कहा गया है। ये सांसारिकता से विमुख होकर परमात्मा के प्रेम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि बेसुध प्रतीत होते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए वे कठिन से कठिन साधना करते हैं जिसमें प्रेम सर्वोत्कृष्ट होता है। ऐसे ही मुसलमान संतों या फकीरों को सूफी कहा गया। परमात्मा के साथ एकमेक होना उनका चरम लक्ष्य होता है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के प्रसंग में जाहिर है कि विद्वानों में एक मत नहीं है, पर इसमें एक धारणा यह है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के सुफ़ा अर्थात चबूतरे पर बैठकर खुदा की प्रार्थना करने वाले लोगों को सूफी कहा जाता था। दूसरी धारणा है कि सूफी शब्द का उद्भव सूफा से हुआ है जिसका अर्थ है पवित्रता। सूफी वे हैं जिनका मन तन से अधिक शुद्ध हो और उनके क्रियाकलापों में बाह्याडंबर ना हो। तीसरा मत है कि सूफी शब्द का उद्भव सफ अर्थात पंक्ति से हुआ है। सूफी वे कहलाएंगे जो सदाचार के कारण परमात्मा के प्रिय होंगे। वे निर्णायक क्षण में विशेष पंक्ति में खड़े किए जाएंगे। चौथी धारणा है कि ग्रीक शब्द सोफिया से सूफी शब्द निश्चित हुआ जिसका अर्थ है निर्मल ज्ञान।
जो निर्मल ज्ञान के अधिकारी होते हैं उन्हें सूफी कहा गया। एक पांचवा मत भी बहुमान्य है कि सूफी सूफ शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। सूफ मतलब ऊन। इस धारणा के पक्ष में ब्राउन, मार्गोलियन, निकल्सन, इस्लामपंथी और हिंदी के आचार्य भी खड़े दिखाई देते हैं। आठवीं और नौवीं शताब्दी में अरब में सूफियों की पहचान उनके ढीले ढाले ऊनी वस्त्रों से होती थी। वे ऊन के कंबल लपेटे रहते थे और ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे। हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस धारणा की पुष्टि जायसी पर लिखते हुए अपने आलेख में की है। सूफियों के दार्शनिक चिंतन को सूफी मत कहा गया। अरबी में इसके लिए तसव्वुफ शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन खुद सूफियों ने ना तो सूफी मत शब्द का व्यवहार किया न तसव्वुफ शब्द का। सूफी मत का प्रयोग हिंदी में तो संत मत के आधार पर अंग्रेजी में सूफिज्म के सहारे सहज ही चल पड़ा, परंतु सूफ से अरबी के तसव्वुफ अरबी में तसव्वुफ बना बिल्कुल अपने ढंग पर। ऐसा चंद्रबली पांडे का मत है। सूफी मत से आशय आत्मा और परमात्मा और जगत के पारस्परिक संबंधों की भावपूर्ण विवेचना से है। इस्लामपंथी एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार परमात्मा इस संसार के सभी वस्तुओं या पदार्थों से भिन्न है। उसके समकक्ष कोई नहीं है। वह जात अर्थात सत्ता, सिफत अर्थात गुण और कर्म में अतुलनीय है। सूफी मत में भी एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठा मिली, किंतु भिन्न रूप में। इनके सिद्धांत को सर्वेश्वरवाद कहा गया। यहाँ परमात्मा परम सत्य, जिसे अनलहक कहते हैं, तो परमात्मा परम सत्य होते हुए भी सृष्टि और समस्त प्राणियों से अलग नहीं है। सृष्टि उसी में अभिव्यक्त होने की इच्छा का परिणाम है। वह जगत रूपी दर्पण में सदैव प्रतिबिंबित होता है, अतः यह जगत उसकी प्रतिच्छवि है। मनुष्य उस प्रतिच्छवि की आँख जैसा है। जिस प्रकार से आँख की पुतली में संपूर्ण प्रतिच्छवि उतर आती है, उसी प्रकार से मनुष्य उस परमात्मा को, उसकी प्रतिच्छवि को अपने आप में बसाए हुए रहता है। परमात्मा के प्रसंग में दो सिद्धांत सूफी मत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक वहदतुल वजूद का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक मुहीउद्दीन इब्रुल अरबी कहे जाते हैं। उनकी दृष्टि में परमात्मा की ही एकमात्र सत्ता है, संपूर्ण जगत उसी की अभिव्यक्ति है। दूसरा वहदतुस्सहूद का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक शेख करीम जिली हैं। उन्होंने परमात्मा और जीव दोनों की सत्ता को स्वीकार किया, किंतु जीव शून्य जैसी स्थिति में होता है, वह अस्तित्ववान नहीं होता। जब परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा और सृष्टि दोनों का अंग होने से मनुष्य में सत असत दोनों भाव उत्पन्न होते हैं। ईश्वरीय अंश सत अपने उद्गम स्थल पर लौटना चाहता है, लेकिन असत तत्व शरीर के कारण ऐसा नहीं हो पाता। इस मार्ग में बाधक तत्व अहंकार है, अतः सूफी पहले उसे ही नष्ट करना चाहते हैं। इस निमित्त मरण स्वत्व को मिटाना है
और सिर काट कर रखना जैसी शब्दावलियों का प्रयोग भी वे करते हैं। सूफियों की पूर्ण आस्था अल्लाह में है, कुरान अल्लाह की किताब है, यह मान्यता उनकी भी थी, परंतु वे परमात्मा से सीधा संबंध बनाने में के हिमायती थे। परमात्मा को उन्होंने परम सत्य, परम सौंदर्य ही नहीं, परम प्रेम भी कहा। परमात्मा ही आनंद आनंदानुभूति के लिए प्रेम भाव मनुष्य में जगाता है। प्रेम पर ही सूफी मत का प्रासाद खड़ा किया गया है। प्रेम पर सूफियों का इतना व्यापक और गहरा अधिकार है कि लोग प्रेम को सूफी मत का पर्याय समझते हैं। सूफी मत इस्लाम का एक अंग माना जाता है, जिसे अपेक्षाकृत उदार माना गया। जब सूफियों के सिद्धांत इस्लाम के दृष्टिकोण से मेल न खाते तो वे कुरान और हदीसों की नई व्याख्या कर अपने मत का प्रतिपादन करते हैं। उन्हें पैगंबरी कट्टरता स्वीकार नहीं थी। ये वेदों की प्रतीकोपासना और सगुण भक्तों के प्रतिमा पूजन के प्रति पैगंबरी मतों में जो द्वेष था उसे वे अनुचित मानते थे। वे तो स्वयं अपने उपास्य को बुत के रूप में देखने लगे और बुतों के आगे सिजदा करने में उन्हें हिचक न होती। सूफी मत के उत्कर्ष में जिन सूफियों का योगदान महत्वपूर्ण है उनके नाम हैं मारूफ करखी, राबिया, हसन अल बसरी, जुलनून, यजीद, जुनैद, मंसूर बिन हल्लाज और इमाम गज़ाली। हल्लाज तो सूफी मत के शिरोमणि कहे गए। उनके अद्वैतवाद अर्थात अनल हक, जिसमें संस्कृत में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, इस अद्वैतवाद से खलीफा नाराज थे, इसलिए उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। तत्पश्चात अल गज़ाली ने सूफी मत को उदार बनाने की दिशा में समन्वयवादी नीति अपनाई। वह कुरान, राबिया, अल बसरी, जुनैद से ही नहीं यूनानी दार्शनिकों से भी प्रभावित हुआ। उसके द्वारा धर्म दर्शन और भक्ति भावना में जो समन्वय हुआ उसमें तसव्वुफ की प्रतिष्ठा में स्थिरता आई। इस प्रसंग में जिली, अरबी और रूमी के नाम भी लिए जाते हैं जिन्होंने सूफी परंपरा को आगे बढ़ाया। इस्लाम के आधार के बावजूद सूफी मत में अन्य धर्मों या मतों से भी सन्निकटता दिखाई देती है। भारतीय धर्म दर्शन, उपनिषद, वेदांत, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, बौद्ध दर्शन आदि के सिद्धांत को भी सूफियों ने आत्मसात किया। बौद्धों के निर्वाण, ध्यानावस्था और एकांत सेवन तथा सूफी मत के फना, मुराकथा और खिलवत के सिद्धांतों में समानता है। ब्राउन निकोलसन जैसे विद्वान सूफी मत में नव अफलातूनी दर्शन की छाया अधिक पाते हैं। वहाँ भी चरम लक्ष्य की प्राप्ति में बुद्धि और तर्क का निषेध है। कहना न होगा कि सूफियों का संपर्क जिन देशों से हुआ उसके धर्म दर्शन से वे अप्रभावित नहीं रह सके। सूफी मत के विभिन्न संप्रदाय हैं। उनमें चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, औलिया संप्रदाय, साबिरी संप्रदाय और मेहदवी संप्रदाय प्रमुख हैं। भारतवर्ष में सूफियों का प्रवेश 12वीं सदी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के समय में माना जाता है। उन्होंने ही चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की। उन्हीं के शिष्य परंपरा में बाबा फरीद और उनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया आते हैं। इस संप्रदाय में संगीत को प्रधानता दी गई। रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी जायसी को इसी संप्रदाय से जोड़ते हैं।
मशहूर संत शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के नाम पर सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना हुई। इस संप्रदाय के सूफी अधिक दुनियादार थे, वे गृहस्थ होते थे और उनका सुल्तानों से संबंध भी बना रहता था। हिंदी के कवि कुतुबन का संबंध इसी संप्रदाय से था। शेख कादरी जिलानी महमूद जिलानी सिंध में इसी संप्रदाय के प्रचारक बने। नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा बहाउद्दीन कहे जाते थे। बाबर, हुमायूं, अकबर आदि का वंशानुगत संबंध इसी संप्रदाय से था। कादिरिया और नक्शबंदिया संप्रदाय से किसी हिंदी कवि की संबद्धता ज्ञात नहीं होती। उसे रामपूजन तिवारी और राम खिलावन पांडे जायसी का संबंध महादेवी संप्रदाय मेहदवी संप्रदाय से बताते हैं, जिसके संस्थापक मीर सैयद मोहम्मद जौनपुरी थे और विजयदेव नारायण शाही का अभिमत एकदम भिन्न है। उनका तर्क है कि पद्मावत के करवक में गुरुओं की लंबी सूची प्रस्तुत की गई है, फिर जायसी को किसी एक गुरु से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये सवाल और ये धारणाएं सब के अपने अपने अर्थ हैं और सबकी अपनी अपनी मौलिकता है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो आइए हम लोग थोड़ा जायसी की सूफी साधना के संबंध में विचार कर लेते हैं। परमात्मा मिलन के लिए साधना पथ पर चलना अनिवार्य होता है। इस पथ को सूफियों ने सूफी साधना या सूफी मार्ग कहा। साधना के बिना चरम लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं होती। इस्लामिक पृष्ठभूमि होने के कारण जायसी के ग्रंथों में जाने अनजाने सूफी साधना के सभी बिंदु मिल जाते हैं। प्रेम सूफी साधना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लौकिक प्रेम में इतनी उदात्तता दिखाई जाती है कि वह पारलौकिक प्रतीत होने लगता है। इश्क मजाजी इश्क हकीकी की सीढ़ी है और उसी के द्वारा इंसान खुदी को मिटाकर खुदा बन जाता है। जायसी स्पष्ट कहते हैं कि प्रेम के बल पर ही मनुष्य वैकुंठ का अधिकारी बनता है, अन्यथा उसका जीवन एक मुट्ठी राख के सदृश है। मनुष्य प्रेम भयउ वैकुंठी ना ही तकाह छार एक मुठी। साधक प्रेम प्याला पीता हुआ उन्माद की दशा तक पहुंच जाता है, वहां उसे परमात्मा से तादात्म्य की अनुभूति होती है। जायसी के नायक रत्नसेन के भावाविष्टावस्था का वर्णन करते हुए जायसी ने लिखा है, सुनत ही राजा गा मुरुछाई, जानहूँ लहरी सुरुज कै आई, परासो प्रेम समुद अपारा, लहरही लहर होई विषम भारा। भावार्थ यह है कि हीरामन तोता से पद्मावती का नक्षिक वर्णन सुनकर रत्नसेन प्रेमानुभूति की तीव्रता से मूर्छित हो जाता है। ऐसा मूर्छित कि मानो कि सूरज की लहर अर्थात लू का झोंका आ गया हो, वह प्रेम के समुद्र में गिर गया था। आकांक्षा की लहरों के बार बार उठने से वह बेसुध हो जाता है। यहाँ पूर्व राग की तीव्र विरहानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक बताते हैं। सूफी काव्यों में साधक आशिक होता है और साध्य मासूका, किंतु पद्मावत में इस आध्यात्मिक संकेत का पूर्ण निर्वाह नहीं हो पाया है। गुरु सुवा जे ही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। पद्मावत की उक्त पंक्ति में जायसी
सुवा को गुरु के रूप में दिखाते हैं। वह रत्नसेन को साधना के पथ पर अग्रसर करते हैं। जायसी का विश्वास है कि गुरु ही निर्गुण को सगुण बनाता है, इसलिए उनकी दृष्टि में गुरु का महत्व है। जिस संत फकीरों के विचार उन्हें अनुकरणीय लगे, उन्हें जायसी गुरुवत स्मरण करते हैं। यह गुरुवाद भारतीय धर्म साधनाओं की विशेषता थी, जिसे सूफी ने अपनाया और अपने काव्य दर्शन में उनका प्रतिपादन किया। परमात्मा परम सौंदर्य है, उसके सौंदर्य का आभास प्राकृतिक तत्वों से होता है। इस प्रकार नाना रूपात्मक यह जगत ब्रह्म का प्रतिबिंब है। यही है सूफियों का प्रतिबिंबवाद। जायसी ने पद्मावती के रूप में दिव्यता का पूरा संकेत देते हुए लिखा है, बिगसे कुमुद देख शशि रेखा, भयते ही रूप जहाँ जो देखा, पाए रूप रूप जस चहे, शशिमुख सब दर्पण होई रहे। अर्थात चंद्रमा रूपी पद्मावती के मुस्कुराने से कुमुदिनी रूपी सखियां भी विकसित हो गईं। जिसने उसे देखा उसी रूप का हो गया, दर्पण सदृश पदार्थों में उसी का रूप प्रतिबिंबित होता है। पद्मावती बिंब है और यह जगत उसका प्रतिबिंब। जायसी का संबंध मूलतः इस्लाम धर्म से था, अतः इस्लामिक मान्यताओं की स्वीकृति उनके विचार में मिलती है। उन्होंने पद्मावत के स्तुति खंड में करतार का सुमिरन करते हुए उसकी सृजनावस्था का बखान किया है। किन्हे सी प्रथम ज्योति परगासु, किन्हे सी तेहीं प्रीत कबिलासु, किन्हे सी धरती सरग पतारु, किन्हे सी वरन बरन अवतारु। अर्थात ईश्वर ने पहले ज्योति अर्थात पैगंबर उत्पन्न किया, फिर उसकी प्रसन्नता के लिए विलास अर्थात स्वर्ग, धरती और पाताल बनाए और उनमें बरन बरन के जीवों की रचना की। यह विश्वास भी सूफी साधना का अंग है। सूफी साधना में शैतान की परिकल्पना आत्मा परमात्मा के मिलन में बाधक शक्ति के रूप में हुई है, जबकि भारतीय अद्वैतवाद में माया बाधक तत्व है। जायसी ने सूफी मत के अनुसार ही पद्मावत में राघव को शैतान के रूप में वर्णित किया है। राघव दूत सोई शैतानु, प्रमुख बाधक तत्व अहंकार है। अहं ही साधक को लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता, इसे मिटाकर ही परमात्मा में लीन हुआ जा सकता है। अनलहक का ज्ञानोदय भी अहंग के नष्ट होने पर ही होता है। हों हों कहत सबय मति खोई, जौ तू ना ही अहि सब आ ही सब कोई, आपु ही गुरु सो आपु ही चेला, आपु ही सब औ आपु अकेला। अर्थात सब मैं करते हुए बुद्धि नष्ट कर देते हैं। जब मैं या तू नहीं होता तो वही सब कुछ होता है, वही गुरु होता है, वही शिष्य, वह सब में होता है और सब में होते हुए अकेला होता है। अहंग नाश के बाद ही अद्वैत स्थिति आती है। उपनिषद में पंचभूतों का वर्णन है, उसमें आकाश में वायु, वायु आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल एवं जल से पृथ्वी की उत्पत्ति का क्रम है। जबकि जायसी अरब देशों की मान्यता के अनुसार चार भूतों के उल्लेख भिन्न क्रम में करते हुए उसमें परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। हवा से पानी हुआ, पानी से आग हुई, आग से मिट्टी, इन्हीं से संसार गतिशील होता है। पौन होते भा पानी, पानी होते भय आग, आग होते भय माटी, गोरख धंध है लागी। सूफी साधना या सूफी मार्ग
की पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं के परिचायक हैं। इस मार्ग की चार मंजिलें हैं और उन मंजिलों की चार अवस्थाएं होती हैं। पहली मंजिल है शरीयत, जिसमें धर्म ग्रंथों की मान्यताओं का अनुपालन होता है। साधक की यह अवस्था नासूत कही जाती है। दूसरी मंजिल है तरीकत, जिसमें साधक जगत की तुच्छताओं से ऊपर उठ जाता है। इस अवस्था को मलकूत कहते हैं। तीसरी मंजिल है मारिफत, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था जबरूत है। चौथी और अंतिम मंजिल हकीकत है, परम सत्य से साक्षात्कार के दरमियान साधक की अवस्था लाहूत की होती है। प्रायः मंजिल और अवस्था को एक मान लिया जाता है। जायसी साधना के इन विधानों के प्रति आस्थावान थे। चारी बसेरे सो चढ़े सतसो चढ़े सो पार, जायसी की इस पंक्ति में वस्तुतः चार मंजिलों का ही संकेत है। सूफी मार्ग के मनुष्य के भी चार विभाग माने गए हैं, नफ्स, रूह, कल्ब, अक्ल। दूसरे शब्दों में सूफी जिन्हें मुकामात भी कहते हैं, इनके नाम क्रमशः अबूदिया, इश्क, जहद, बारिफ, वज्द, हकीम और वसल हैं। फना और बका की पूर्व स्थिति वसल है। जायसी के ग्रंथों में इन स्थितियों के यथोचित वर्णन हुए हैं। अब हम इस विचार के बाद रहस्यवाद पर आते हैं। प्रकृति का परमात्मा के रहस्यों को जानने और उसके साथ भावात्मक संबंध बनाने की प्रक्रिया रहस्यवाद है। यहाँ बुद्धि का अभिप्राय तर्कयुक्त ज्ञान है, मगर भावावेश में ज्ञानोदय की अभिव्यक्ति रहस्यात्मक हो जाती है। ज्ञान के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से रहस्यवाद का सार्वदेशिक महत्व रहा है। इसे विशेष धर्म या मत तक सीमित नहीं किया जा सकता। सभी मुख्य धर्मों में रहस्यवादी प्रवृत्ति पाई जाती है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सबके अनुयायियों में उस परम सत्य को पाने, उसके साथ एकमेक होने की उत्कट आकांक्षाएं पाई जाती हैं, चाहे वह पश्चिम का हो या पूरब का, चीन का हो या अरब का। रहस्यवाद के दो प्रकार हैं, भावनात्मक और साधनात्मक। जब भावना के क्षेत्र में आत्मा और परमात्मा में तादात्म्य स्थापित किया जाता है, तो वह अनुभूति भावनात्मक रहस्यवाद की होती है। वैष्णव भक्ति के माधुर्य में बीज रूप में भावनात्मक रहस्यवाद पहले से था, उसे उत्कर्ष मिला सूफियों के भारत आगमन के बाद। निर्गुण पंथी कबीर, दादू और कृष्ण भक्त कवित्रियों आंडाल, मीरा ने अपने आराध्य को प्रियतम रूप में ही देखा। सूफी कव्वाल तीव्र विरहानुभूति में गाते नाचते मूर्छित हो जाते हैं। जब साधक ध्यान, योग, जंत्र मंत्र आदि क्रियाओं द्वारा परमात्मा से साक्षात्कार करता है, तब साधनात्मक रहस्यवाद होता है। सिद्ध नाथों की परंपरा में इसे पूर्ण प्रश्रय मिला। सूफियों ने उनकी साधना पद्धति और प्रतीकों को भी अंगीकार किया। सूफियों का संबंध बुनियादी रूप से इस्लाम से रहा, अतः इस्लामी रहस्यवाद से परिचित होना भी आवश्यक है। सही मायने में इस्लाम में रहस्यवाद का सूत्रपात सूफी मत में हुआ। इब्नुल अरबी के अनुसार वहदतुल वजूद के सिद्धांत से तात्पर्य है कि ईश्वर ही सब कुछ है। उसमें लीन होकर इंसान अपना वजूद उसी तरह मिटा देता है जैसे
पानी की बूंदें समुद्र में मिलकर समाप्त होती। इतिहासकार ताराचंद इस्लामी रहस्यवाद के तीन उद्गम बताते हैं, एक मोहम्मद साहब का स्वयं का रहस्यवादी व्यक्तित्व, दो आठवीं सदी में ईसाइयों के पैंथेइज्म से मुसलमानों का प्रभावित होना, यूनानी अद्वैतवाद के कारण ईसाइयों में माधुर्य भावना पहले से थी, तीसरा मोड़ आया भारतीयों और फारसियों के व्यापार संबंध से, उनके बीच दार्शनिक सिद्धांतों के भी आदान प्रदान हुए, सूफियों की प्रेम भावना से किसी को खतरा न था अतः उसे लोकप्रियता मिली। अब हम रहस्यवाद पर चर्चा करने के बाद जायसी के रहस्यवाद पर थोड़ा आते हैं। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैत रहस्यवाद है तो वो जायसी में है, जिनकी भावुकता बहुत ऊंचे कोटि की है। वे सूफियों की भक्ति भावना के अनुसार कहीं तो परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखकर जगत के नाना रूपों में उस प्रियतम के रूप माधुर्य की छाया देखते हैं, और कई सारे प्राकृतिक रूपों और व्यापारों का पुरुष के समागम हेतु प्रकृति को श्रृंगार उत्कंठा या विरह विकलता के रूप में अनुभव करते हैं। रहस्यवादियों के लिए प्रेम सर्वोत्कृष्ट है। जायसी के रहस्यवाद में जिस प्रेम तत्व की प्रतिष्ठा हुई है वह पूर्णतया तसव्वुफ के अनुकूल है। प्रेमाख्यान पद्मावत में प्रेम को ही गरिमा प्रदान की गई है। जायसी का कथन है, तीनों लोक और 14 खंडों में जहाँ तक दृष्टि जाती है एकमात्र प्रेम ही सौंदर्य है और कुछ नहीं। तीन लोक 14 खंड सबै परै मोहि सूझि, प्रेम छारी किछु और न लोना, जो देखो मन बूझ। प्रेम विरह की आग में तपकर ही उसकी भक्ति का खड़ापन सिद्ध होता है। पार्वती महेश खंड में गौरा पार्वती रत्नसेन के प्रेम को खरा बताती हुई कहती हैं, निश्चय यहु बिरहानल दहा, कसत कसौटी कंचन लहा। रहस्यवादी प्रकृति में परम सत्य का आभास पाते हैं, दृश्यमान जगत के सौंदर्य में अलौकिक सत्ता का उन्हें संकेत मिलता है। जायसी पद्मावती को पारस रूप बताते हैं, वह परम ज्योति है, उसी से सभी प्राकृतिक उपादान आलोकित होते हैं। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र हीरे रत्न माणिक्य मोती उसी की ज्योति से प्रकाशमान है। ज्योति से साक्षात्कार होते ही अंधकार का गुम होना लाजमी है। प्रभात का उत्प्रेरक दृश्य तभी उपस्थित होता है। प्रकृति में प्रियतम का बोध और सामिप्य लाभ से भक्त को जो आनंदानुभूति होती है उसकी व्यंजना जायसी बहुत ही भावुक ढंग से करते हैं। देखी मानसर रूप सुहावा, ही हुलास पुरैन होई छावा, गा अंधियारी रैन मसी छूटी, भा भिनुसार किरिन सब फूटी। अर्थात राजा हीरामन तोता और अन्य के साथ सातवें मानसर समुद्र में पहुंचा तो मानसर का सुंदर रूप देखकर उसे अत्यधिक उल्लास हुआ। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी प्रसन्नता ही मानो कमल की बेल बनकर मानसर पर छाई हुई है। रात की स्याही छूट गई, अंधेरा चला गया, भोर हुआ और सूरज की किरणें निकलने लगी। यहाँ मानसर के सौंदर्य में परम सौंदर्य को संकेतित किया गया है। जायसी के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। जायसी को रहस्यमयी सत्ता के प्रति पूर्ण विश्वास है। अद्वैतवाद सर्वेश्वरवाद
और प्रतिबिंबवाद की मान्यताओं के अनुकूल उन्हें अंतरतम अनंत सत्ता की अभिव्यंजना की है। वस्तुतः जायसी का रहस्यवाद भारतीय अभारतीय दर्शन और सिद्धांतों का संवेत रूप है, उसमें रहस्य भावना को पूरा उत्कर्ष मिला है। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि भक्तिकाल के प्रतिनिधि कवियों का चयन दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। बुनियादी तौर पर जायसी का संबंध इस्लामी रहस्यवाद और सूफी मत से था, इसलिए उन्होंने प्रेम तत्व को सर्वाधिक महत्ता दी। वे प्रेम मार्ग के प्रतिनिधि कवि कहे गए, फिर भी सर्वग्राही और समन्वयवादी दृष्टि के कारण उनके सिद्धांत और साधना पक्ष में भारतीय धर्म साधना के भी कुछ अंगों को स्वीकृति मिली है। सचमुच जायसी की सूफी साधना और रहस्यवाद का अकादमिक दृष्टि से ही नहीं सामाजिकता के लिए भी महत्वपूर्ण संबंध है।